नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही खास बात बताने वाले हैं। पूरे 70 वर्षों के बाद बन रहा है महालक्ष्मी योग, 7 राशियों की लगने वाली है लॉटरी, पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे ये 7 राशि वाले। दोस्तों आपने एक कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी, देने वाला जब भी देता है तो देता है छप्पर फाड़ के। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा ही कुछ होने वाला है इन 7 राशि वालों के साथ में। 70 वर्षों के बाद अचानक से बना है ये महालक्ष्मी योग। दोस्तों कुछ जातकों के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि इन 7 राशि वाले जातकों के ऊपर पड़ चुकी है। माता रानी माँ लक्ष्मी, दोस्तों धन एक ऐसी चीज है जो जिसके जिस व्यक्ति के पास भी होता है उसे हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जब किसी व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति के अपने लोग ही उसके अपने शत्रु बन जाते हैं और उसके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। हर एक चीज पैसे से ही इस दुनिया में आती है, इसीलिए धन का होना बेहद आवश्यक है। इन 7 राशि वाले जातकों के ऊपर धन का खजाना लुटाने वाली है माता लक्ष्मी की विशेष कृपा। इन 7 राशि वाले जातकों पर होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी राशि इन 7 राशियों में से एक है या नहीं, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय बजरंगबली एक बार अवश्य लिख दें। दोस्तों हर एक इंसान की धरती पर यही इच्छा होती है कि उसके पास अधिक से अधिक धन हो, सुख ऐश्वर्य हो, धन संपदा की प्राप्ति हो, वह उसका जीवन हमेशा ही खुश खुशहाल रहे और वह अपने जीवन में अपने और अपने परिवार की हर एक जरूरत को पूरा कर सके, अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति वह आसानी से कर सके। लेकिन दोस्तों सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग तो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं और कुछ लोग रंक होते हैं, लेकिन किस्मत का साथ मिलते ही वे लोग बुलंदियों को छूने लगते हैं। वहीं पर कुछ लोगों की किस्मत इतनी खराब होती है कि ढेर सारा धन होने के बावजूद भी धीरे धीरे गरीब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा अनुमान है कि कुछ ही समय में माता लक्ष्मी की कृपा इन 7 राशि वाले लोगों पर पड़ने वाली है, जिससे इनकी किस्मत 7वें आसमान पर होगी। दोस्तों सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, राहु का वृषभ राशि में गोचर है और केतु की वृश्चिक राशि में गोचर की स्थितियां इन सभी ग्रहों की परिस्थिति मिलकर के महालक्ष्मी योग बना रही है। इससे यह पता चलता है कि इन 7 राशि वालों की विशेष परिस्थितियों के चलते लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों ये सभी संयोग व खास महायोग पूरे 70 वर्षों के बाद बन रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वे 7 राशियां जिनकी किस्मत 7वें आसमान की बुलंदियों को छुएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान हो सके। जो पहली राशि है वह राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों आपके ऊपर माता लक्ष्मी मेहरबान होने वाली है। धन से मालामाल बनने के अवसर माता रानी की जी की कृपा से आपको मिलेंगे। ऐसा मानिए कि आपके घर में माता रानी के कदम पड़ने वाले हैं। घर परिवार में सुखद पूर्ण स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। धन को लेकर सभी चिंताएं दूर होंगी। बिजनेस में आपको लाभ होगा। वैसे तो गलत है लेकिन अगर आप लॉटरी सट्टा खेलते हैं तो आपको इसमें भी मुनाफा अवश्य होगा। और धन आगमन से आपके मन में बहुत उमंग और उत्साह अवश्य देखने को मिलेगा और खुशियों से भरपूर इस समय को आप पूरे उल्लास और उमंग से जी पाएंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें भी लाभ होगा, यानी कि पदोन्नति व प्रमोशन के योग बन रहे हैं। सैलरी में उन्नति होगी। वे आपको किसी अन्य जगह पर भी बड़ी नौकरी के लिए ऑफर आ सकता है। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों अब आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि पड़ने वाली है। दोस्तों पैसों से जुड़े जितने भी मामले थे वे अब आपके हल हो जाएंगे। पैसों से संबंधित किसी भी स्थिति परिस्थिति व समस्याओं का सामना अब आपको नहीं करना पड़ेगा। पैसों से जुड़ा हर मामला अब आपको सॉल्व होगा। लोन संबंधी कोई भी समस्या आपको चल रही थी तो वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। घर परिवार में सुखद पूर्ण स्थितियां होंगी। इसी के साथ साथ आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर की यात्रा करेंगे, इसीलिए आपका दाम्पत्य जीवन
खुशियों से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ आनंद से भरपूर खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। इस समय में कुछ आप ऐसे कार्य करेंगे कि आपका काम सराहनीय तो होगा ही, साथ ही आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगली जो राशि है वह राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, अब आपका वह समय आ चुका है जब आपको बहुत ही जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। अब आपको धनवान बनने के कई सुनहरे मौके मिलेंगे। शेयर बाजार, लॉटरी व सट्टे में अगर आप अपना भाग्य आजमाते हैं तो आपको बड़ा मुनाफा होगा। कोई कार्य अगर आपका रुका हुआ था, अटके हुए कार्य भी आपके अब पूर्ण हो जाएंगे। कोई नए कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहते थे तो वह भी अब आप कर सकते हैं। परिवारजन के साथ साथ मित्रगण भी आपका सहयोग करेंगे। अगली यानी कि चौथी जो भाग्यशाली राशि है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, अब आपकी किस्मत संवरने वाली है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से अब आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलेगी। ऐसे योग बन रहे हैं कि भाग्य आपका सातवें आसमान के ऊपर रहेगा। अब आपकी रूठी हुई किस्मत भी चमकने वाली है। अब आपको भिन्न भिन्न प्रकार के धन लाभ मिलेंगे। सेहत के साथ साथ आपके घर परिवार की स्थिति भी बेहद ही खूबसूरत रहने वाली है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आपकी जिंदगी अब संवरने वाली है। पांचवी भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, अब माता लाल रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। अब आपको कई प्रकार के धन लाभ मिलेंगे। वे नया धन कमाने के भिन्न भिन्न रास्ते भी दिखाई देंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा। आपको हर तरफ से कामयाबी ही कामयाबी दिखने को मिलने वाली है। जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सफल होंगे व तेजी से मुनाफा भी होगा। अगली यानी कि छठी राशि जो है वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपकी राशि सचमुच बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि माता रानी की जो विशेष कृपा इन सभी राशियों पर नहीं है, वह आपकी राशि के ऊपर है। आपको बता दें कि इस समय में आपका पैसों से संबंधित कोई भी कार्य जो अटका हुआ था वह पूर्ण हो जाएगा। अचानक से आपको धन लाभ होगा और आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोई जमीन या प्रॉपर्टी आप लेने वाले थे वह भी आप ले पाएंगे, या फिर कोई जमीन या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद था, कोर्ट कचहरी आदि मुकदमा चल रहा था, तो वह भी अब समाप्त हो जाएगा। शत्रु, बाधा वे विरोधी अब आपका इस समय में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो भी आप कार्य करने की सोच रहे थे वे आप निर्विघ्न कर पाएंगे और आपकी हर प्रकार की इच्छाएं इस समय में पूर्ण हो जाएंगी। इस समय में महालक्ष्मी योग बनने के कारण आपका धन से संबंधित हर प्रकार का मामला अब पूर्ण हो जाएगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो अटका हुआ था वह पूर्ण होगा। वह माता लक्ष्मी की कृपा से आपको कहीं पर घड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, जो अंतिम राशि है वह राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों, यह समय आपके लिए बहुत ही लकी यानी किस्मतवान रहने वाला है। धन की समस्याओं को खत्म करते हुए आप एक नया अध्याय व इतिहास लिखेंगे। आपके बड़े बड़े हुए महत्वपूर्ण कार्य भी इस समय में पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई पर आपका फोकस होगा। वे सभी परीक्षा परिणामों में आप उत्तीर्ण होंगे। जो व्यक्ति इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे उन्हें पढ़ा लिखा सब याद रहेगा, वे इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपके लिए यह समय बहुत ही खास रहने वाला है। आपकी मनचाही नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। अगर आप अपनी नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो यह समय सर्वोत्तम है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में बड़ा धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, आपका यह समय सर्वोत्तम है। नौकरी व्यापार आदि करने वाले व्यक्ति, गृहिणी हो या बच्चे हो, हर किसी के लिए यह समय बहुत ही उत्तम है। मां लक्ष्मी योग बनने के कारण आपको हमने पहले ही कहा है कि पैसे गिनते गिनते आप थक जाएंगे। पैसे रखने के लिए नई तिजोरी वे लॉकर ले आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियोज जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।